ठीक हो? अभी रिवा आप क्या क्या करना चाहते हो यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? यूट्यूब पे तो मैं अभी व्लॉग्स बनाती रहूंगी और कभी कभी अगर टाइम मिला तो प्रैंक भी बना रही हूं। हमारे चाँद भाई व्हाट्सअप व्हाट्सअप चाँद भाई कैसे हो? एक नंबर। बस आप लोग की दुआ। कैसे हो आप? एवरीवन मैं एकदम बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हो भाई? अरवाज भाई क्या बोलना चाहोगे अपने फैंस के लिए जो कि आपको बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं? आपके 3 मिलियन कंप्लीट हो गए, उनके लिए क्या बोलोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने फैंस को थैंक यू सो मच। हमारे साथ में है अरवाज भाई। अरवाज भाई कैसे हो आप? एवरीवन मैं एकदम बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हो भाई? अरवाज भाई क्या बोलना चाहोगे अपने फैंस के लिए जो कि आपको बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं? आपके 3 मिलियन कंप्लीट हो गए, उनके लिए क्या बोलोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने फैंस को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, और आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मैं लाइक अनबिलीवेबल है यार, एकदम लाइक चुम्बेश्वरी यार। थैंक यू सो मच, 3 मिलियन मेरे हो गए। आई लव यू ऑल यार। और अरबाज भाई आगे आपका क्या प्लानिंग हो रहा है करने का? अभी आगे मेरा प्लानिंग चल रहा है, यूट्यूब का प्लान चल रहा है। अभी एल्बम्स आने वाले हैं, इंशाल्लाह जनवरी में आएगा मेरा एक पहला फर्स्ट एल्बम आएगा, तो बहुत ही बॉम्ब आने वाला है, एकदम लाइक किलर रहेगा वो। अरे वाह, तो अब से मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, तो सबसे मुझे पहले बताओ आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं नहीं मैं सिंगल हूँ यार, मैं गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा ब्रेकअप हो चुका है। लाइक लास्ट 2 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, बट मेरा अनफॉर्चुनेटली ब्रेकअप हो गया थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट उसके बाद से जब से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ तो मेरे को खाली टिकटॉक वीडियोस पे ही मेरा पूरा टाइम चला जाता है, तो मेरी गर्लफ्रेंड का कोई टाइम ही नहीं है यार। ये तो है भाई, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे हो या टिकटॉक बना रहे हो या तो और कोई इसका है आपके पास वेबसाइट वगैरह, तो आपके पास गर्लफ्रेंड होएगा ही नहीं भाई, क्योंकि आपके पास टाइम ही चला जाता है। आई थिंक मेरा भी यही हाल है। और भाई आप स्पेशली अपने फ्रेंड्स के लिए और हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या बोलोगे? सो गाइस ये भाई है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, आगे इतनी दूर से आए यहाँ पे और सारे टिकटॉकर्स के साथ में लाइक यहाँ पे यूट्यूब का वीडियोस बना रहे, तो इनको भाई सपोर्ट करो, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये भाई ये बहुत आगे जाएंगे, तो आप लोग के सपोर्ट की जैसे मेरे को सपोर्ट करते हो आप लोग, वैसे ही भाई को भी सपोर्ट करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट करो, ये इंशाल्लाह भाई ये अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ यूनिक यूनिक लाते रहेगा। और आपका बर्थडे का भी है? करते रहेगा। मेरा बर्थडे 30 मार्च को है और आप सब लोग को आने गए। हाँ, और आप मीटअप कहाँ पे रखने वाले? फर्स्ट मीटअप आपका? मेरा पहला मीटअप रहेगा बैंड्रा रेक्लेमेशन पे रहेगा फर्स्ट मीटअप, और ये मेरे बर्थडे के दिन ही रहेगा वो मीटअप, क्योंकि भाई आपको पब्लिक मिलने के लिए आपसे तरस रहे हैं, तो आप उन लोग का मुराद कभी पूरा कर रहे हो? नहीं नहीं मुराद पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा बर्थडे जिस दिन रहेगा वो मेरा फर्स्ट मीटअप रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा काफ़ी प्रोजेक्ट है तो उसमें मैं बिजी हूँ, तो मीटअप का ऐसा कोई प्लान नहीं किया हूँ, बट हो जाएगा थोड़ा टोकर हाउस हो जाए फिर उसके बाद हम। अच्छा भाई, हाँ टोकर हाउस में आप भी जा रहे हो ना? हाँ। और टोकर हाउस के बारे में आप थोड़ा कुछ बता दो हमारे फैंस को। टॉकर हाउस एक बहुत ही अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म है, लाइक जितने भी टिकटॉकर्स है तो जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो लाइक वो अब कभी अभी तक का कोई भी रियलिटी शो नहीं किया है, बहुत कम लोग है जो रियलिटी शो करे, एक दो लोग ही है, तो वही मेरा कहना है कि लाइक अपना हार्ड वर्क करो तो इंशाल्लाह आप लोग को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, टॉकर हाउस जैसा लाइक एक आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, तो बस ऐसा कोई हार मत मानो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहो, आप लोगों को कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिलते रहेगा। और भाई आप लोग का कब तक प्लानिंग है जाने का, वो भी थोड़ा बता दो थोड़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम लोग जाने वाले हैं, मलेशिया में हमारा पूरा शूट होने वाला है। हाँ। वहाँ पे एक टॉकर हाउस है और वहाँ पे ही पूरा शूट होएगा, देखते हैं। और एकदम भाई मचाने वाले भाई लोग। और भाई बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि अभी तक इतना फॉलो करे आप लोग ने, इतना प्यार दिए, हर वीडियोस पे अच्छी लाइक्स करते हो, मिलियंस आती है लाइक्स, तो बस थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए। डॉन सिनेमा ऐप को डाउनलोड करना और उस पर जाके तुम लोगों को वोट करना है मुझे। भाई को वोट तो होएगा भाई, हमारे चैनल पे आएगा भाई का, और वहाँ से भी यहाँ से भी अभी से एक्साइटेड रहो, आपको वोट करना ही करना है। और भाई लास्ट लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग या आपका पर्सनल चैनल कभी आने वाला है? भाई ब्लॉगिंग का मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे को कभी ज़्यादा इतना इंटरेस्ट था नहीं ब्लॉगिंग में, बस हाँ मेरा हमेशा से ये था कि लाइक जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी कंटेंट बना रहा हूँ, उसमें ह्यूमैनिटी ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाऊँ, क्योंकि लोग में से कुछ लोग जो इंस्पायर हैं आज के टाइम पे वो मेरी ह्यूमैनिटी के वीडियोस के ऊपर, तो मैं लाइक इसलिए ज़्यादा उस पर ध्यान देता हूँ, ह्यूमैनिटी वीडियोस मुझे बनाना ज़्यादा ये। चलो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी चलते क्या अपन आगे? हाँ चलेंगे ना। तो भाई थोड़ा चलते चलते मस्ती कर लेते, थोड़ा फनी कुछ आपको क्वेश्चन करने हैं भाई से। भाई और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं पूछना चाहता हूँ, बट अभी आज के लिए बस इतना ही रखूंगा, थोड़ा बहुत और हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल के लिए भी कुछ तो रहना बाकी है, और अपन आगे किसी और को मिलाऊंगी मेरे साथ, बने रहना और लास्ट बात करना। तो ये हमारे भाई, तो चलते आगे मिलते, ठीक है? वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया और फिर से वापस से आ गए। ए हमारे चाँद भाई व्हाट्सअप व्हाट्सअप चाँद भाई कैसे हो? एक नंबर। बस आप लोग की दुआ, आप लोग कैसे हो भाई? सबसे पहले ये बताओ मुझे, आप लोग इतने अच्छे से वीडियो शूट करते, आप लोग के दिमाग में आता कहाँ से? देखो भाई दिमाग में लाना पड़ता है, आता नहीं है, सोचते बैठ के घर पे मैं 4 बजे तक
सोचता हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, 5 बजे सोता हूँ मैं। और भाई इसमें आप टिकटॉक की वीडियो बनाने में कितना, आई थिंक 24 घंटे में कितना टाइम आप निकाल देते हो टिकटॉक की वीडियो बनाने में? नहीं बोले तो 5-6 घंटा तो वीडियो बनाने में जाता है, फिर उसके बाद 6-7 घंटा एडिटिंग हो जाता है, मतलब पूरा दिन चले जाता है। पूरा दिन चले जाता। और इसके अलावा कुछ काम धंधा करते हैं कि टिकटॉक ही आप? बस यही है और अपना एक खुद का बिजनेस भी है। हाँ। आप लोग की दुआ से तो अच्छी बात है, आप बिजनेस भी करते हो और ज़्यादा करके आप टिकटॉक में ही टाइम निकालते हो, क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है, कहीं बैठना नहीं, कहीं पे मतलब जाना नहीं रहता है, सब मोबाइल से होता है, सब मोबाइल से। और शायद भाई लास्ट अपने फैंस के लिए क्या बोलोगे आप? मैं फैंस के लिए यही बोलूँगा, सिर्फ आप लोग हैं तो मैं हूँ, बस आप लोग का यही शुक्रिया और थोड़ा और सपोर्ट करो, बस आई लव यू। थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, और मैं भाई से बहुत बार मिल चुका हूँ यार, ऐसे ही प्यार चाहिए आपको। और थैंक यू सो मच भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर मिलते भाई, चलो बाय बाय, लव यू। तो गाइस हमारे साथ में है रिवा, रिवा आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अभी रिवा आप क्या क्या करना चाहते हो YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? YouTube पे तो मैं अभी ब्लॉग्स बनाती रहूँगी और कभी कभी अगर टाइम मिला तो प्रैंक भी बना लिया करूँगी। अच्छा रिवा बहुत क्यूट हो। थैंक यू। और आप अपने फैंस के लिए क्या बोलोगे? कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, आई लव यू गाइस। और आप टोकर हाउस में भी जा रहे हो, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं वहाँ पे जा रही हूँ आज, वो तो एक सीक्रेट है। हाँ। और आप सब मुझे वहाँ जाके देखेंगे। तो आप लोग को, आपको पता है, आपको हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी सब्सक्राइबर है, कमेंट मार रहे थे रिवा के साथ में बनाओ, मुझे भी नहीं पता था आप यहाँ पे आ रहे हो करके, फिर भी मेरी किस्मत थी आपसे मिल गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप लास्ट में क्या बोलना चाहोगे, जो आपके बहुत सारे फैंस हैं अच्छे अच्छे कमेंट मारते हैं, उनके लिए क्या बोलोगे? Keep supporting, keep loving, just love you. And thank you for making me reach till here. Thank you so much. और अभी क्या बोलूँ आपसे, तो मेरे इतना क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। देखो गाइस वीडियो में आप कमेंट मारना है कैसे लग रहे बच्चे। आप कब से स्टार्ट कर रहे हो अपना ये ब्लॉग चैनल? कब का स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हो गया आपका? 3 व्लॉग्स डाल भी दिया है गाइस। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो जाओ विजिट करो यार। आपका ब्लॉग का नाम क्या है चैनल का? रिवा अरोरा कर सकते हो गाइस, मुझे नहीं पता था सीरियसली कि चैनल भी स्टार्ट हो गया है। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा और मिलते हैं, ठीक है? और लास्ट में क्या बोलोगे? बाय 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 गाइस, सब्सक्राइब, बाय बाय, चलो लव यू ऑल।